नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगले 24 घंटों के अंदर आपका कलेजा धक धक करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के अंदर घरों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होंगे, घरों की कुछ ऐसी स्थिति होंगी जिनके कारण दोस्तों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यश मित्राल में पूरा परिवार एक साथ खुशियों से झूमने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यश में जो ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रहों का शुभ योग है, इनके साथ ही गजब के दुर्लभ संयोग और राजयोग का निर्माण होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और यश में आपको बड़ी सफलताएं के साथ कई बड़े ऐसे कारनामे देखने को मिलेंगे जिन्हें जानकर आप आंसू रोक नहीं पाएंगे। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको दो क्षेत्रों को लेकर अति सावधान रहने की आवश्यकता पड़ने वाली है, वरना दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपने जितना कुछ पाया है उतना आपको खोना भी पड़ सकता है। यूँ कि दोस्तों यश में आपको लेने की देनी भी पड़ सकती है, तो वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें, ये आपके पूरे जीवन का सवाल है। जी दोस्तों, वीडियो को अंत तक देख लिया तो जीवन संवर जाएगा। इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य भाग्यशाली होंगे और किन किन क्षेत्रों में यश में आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। ग्रहों की ये बदलती चाल आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार करके जाने वाली है, क्या बड़े चमत्कार आपके जीवन काल में यश में होने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का और माता रानी का शीर्ष आशीर्वाद प्राप्त करिएगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का यश में निवारण होगा। काफी समय बाद मित्रों के साथ फैमिली गेट टुगेदर होने से भी सभी लोग खुश और उमंग महसूस करेंगे। आपको बता दें कि यश में रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से आपको राहत भी प्राप्त होगा। और इसके उपरांत यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों बच्चों के साथ ज़्यादा जो है रोक टोक ना करें, इससे उनके आत्मबल तथा कार्य क्षमता में कमी आएगी। ध्यान रखें कि आपकी कोई नकारात्मक बात किसी प्रिय मित्र से जो है नाराजगी का कारण बन सकती है। तो दोस्तों यश में किसी से भी बात करते समय अपने शब्दों का चयन जरूर करें या फिर अपने वाणी पर संयम जरूर रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय दोस्तों आपको बता दें कि आपके सहयोग की परीक्षा हो सकती है। आपको बता दें कि किसी को दिया हुआ उधार पैसा भी यश में आपको वापस मिल सकता है, लेकिन वक्त पर ना मिलने की वजह से आपको तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय आपको बता दें कि दोस्तों समय उत्तम है अपनी क्षमताओं को करियर, अध्यात्म और धर्म के प्रगति में अच्छी तरह इस्तेमाल करने में आप सक्षम भी रहेंगे। अपनी संवेदनशीलता समाज में आपको इज्जत प्रदान भी करने वाली है। सांस्कृतिक कार्यों में आप जो है शांतिपूर्ण ढंग से कार्यों को संपन्न भी कर पाएंगे। साथ ही कभी कभी अकारण ही किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आने पर घर का माहौल भी बिगड़ सकता है, इसलिए दोस्तों इन पर आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। अपनी इस कमी में सुधार लाने की जरूरी होगी। आपको बता दें कि विद्यार्थियों को भी अपनी मेहनत की अपेक्षा कुछ परिणाम कम मिल सकते हैं, परंतु धैर्य बनाकर रखना यश में आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको इसमें दोबारा प्रयास करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में घटी हुई घटना की वजह से आपको पछतावा हो सकता है, इस कारण वर्तमान में काम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें इसकी वजह से आपके द्वारा नई समस्या भी खड़ी हो सकती है। खुद को माफ करके आगे बढ़ने की इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों ये आपके वर्तमान परिस्थिति के लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके साथ दोस्तों इसमें आपको बता दें कि कुछ समय से चल रही भागदौड़ी से राहत पाने के लिए आपको प्रकृति के निकट भी कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। शांतिपूर्ण वातावरण में रहने से आपको नई ऊर्जा और स्फूर्ति की भी अनुभूति होने वाली है। आपको बता दें कि कलात्मक और रचनात्मक कार्यों संबंधी अपनी रुचियों को जागृत करने का उचित समय होगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करना आपके लिए जरूरी होगा। उनकी गतिविधियों तथा संगति पर आपको नजर रखना चाहिए। अपनी किसी परेशानियों में नजदीकी मित्र के साथ विचार विमर्श करने से आपको अवश्य ही कोई उचित परिणाम भी मिलेगा या फिर उचित समस्या का हल भी मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होगा। आपको बता दें कि दोस्तों करीबी व्यक्ति द्वारा आपको मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। परिवार के व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको जो है प्रश्न करना चाहिए, ये प्रयत्न आपके लिए सफलता का कारण बनेगा।
इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल आपको व्यक्तिगत जीवन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए सुनूंगी। दोस्तों आपको बता दें कि यश में ग्रह स्थितियाँ भी आपको सचेत कर रही है कि वित्तीय योजनाओं संबंधी कार्यों पर अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित रखें। बेकार के कार्यों में समय को नष्ट ना करें। घर में किसी अविवाहित व्यक्ति के विवाह संबंधी बात भी यश में चल सकती है। आपको बता दें कि दूसरों पर विश्वास अधिक विश्वास करना और उनकी बातों में आना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, तो इन बातों पर यश में आपको गौर करना चाहिए। इनसे लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। युवा वर्ग व्यर्थ की मौज मस्ती के कारण अपने करियर संबंधी कोई नुकसान भी कर सकते हैं और दोस्तों यश में किसी पड़ोसी के साथ कहासुनी होने जैसी स्थिति भी बन रही है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से इसमें आपको बचना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए सिम होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पैसे से संबंधित समस्या कम होने लगेंगी, फिर भी आपकी लापरवाही की वजह से नुकसान होने की आशंका भी नजर आ रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपके करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों अभी वर्तमान परिस्थिति की वजह से व्यापार में कोई नया काम व फिर योजना कामयाब नहीं होगी। मेहनत ज़्यादा और परिणाम कम जैसी स्थिति बन रही है, परंतु यह समय आपको धैर्य रखकर समय को व्यतीत करना चाहिए। शीघ्र ही परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी और आपको अच्छी सफलता भी प्रदान करने वाली है। बशर्ते दोस्तों यह समय भी आपको धैर्य का दामन रखते हुए आपको आगे मेहनत करने की आवश्यकता होगी, अपने कार्यों पर फोकस करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही दोस्तों यह समय आपको अधिक से अधिक ऑर्डर भी मिलेंगे। सरकारी नौकरी में कोई भी विशेष कार्यभार आपको मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों व्यापार में सफलतादायक समय भी रह सकता है अगर आप मेहनत करेंगे, तभी आपके कार्यभार की रफ्तार भी इसमें बढ़ेगी मेहनत करने के बाद ही। दोस्तों सभी कार्य इसमें आपके मेहनत करने के बाद ही होंगी, तो दोस्तों यश में बिल्कुल भी समय का दुरुपयोग ना करें, इनका सदुपयोग करें। ये आपके करियर के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए बेहतर होंगे। तो दोस्तों भूल से भी भूल ना करें। प्रयास करने से रुका हुआ पेशा भी इसमें आपको पुनः प्राप्त हो सकता है। कोई राजकीय बाधा भी इसमें दूर होंगी। दोस्तों अपने टैक्स संबंधी हिसाब किताब को जो है पारदर्शी रखें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। मंगेतर से किसी छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव इसमें आपसे हो सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए इसमें होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी तथा नजदीकी मित्रों से मेलजोल दिन को और अधिक खुशनुमा बना देगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए इसमें होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जुम्मे होंगे। दोस्तों आपको बता दें घर में उचित व्यवस्था तथा सामंजस्य भी बना रहेगा तथा आपसी संबंध भी इसमें मधुर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अंत में आपके जो है लव लाइफ के लिए जुम्मे होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जुम्मे होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों पति पत्नी के बीच पारिवारिक समस्या को लेकर कुछ नोक झोंक भी रह सकती है। युवाओं की मित्रता प्रेम संबंधों में इसमें परिणित हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों इसमें अत्यधिक सर्दी का दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। खांसी जुकाम जैसी परेशानी रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए सुन होंगे। आपको बता दें कि थकान की वजह से माइग्रेन अथवा सर्वाइकल का दर्द भी उठ सकता है। एक्सरसाइज तथा मेडिटेशन पर आपको इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। डायबिटीज लोग भी अपना विशेष ध्यान रखें तथा रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर का आप चेकअप करवाते रहें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए सुनोगे। आपको बता दें अगर आप सावधानी को बरतेंगे तो आपका अंत में स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी होगा।